डोर टू डोर गार्बेज उठाने के लिए नगर निगम की ओर से गाड़ियां तो ले ली गई हैं और इस गार्बेज को लोगों के घरों से उठाने के लिए कई हेल्पर और ड्राइवरों की भी भर्ती की गई थी, लेकिन डोर टू डोर गार्बेज उठाने वाले इन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने इसको लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि नगर निगम की ओर से उन्हें पेमेंट कलेक्शन करने के लिए मशीन दी गई है और इस मशीन के द्वारा ही वह लोगों के घर कूड़े के पैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में उन्हें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनके पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। वह इस मशीन के द्वारा कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन वह एक घर से दूसरे घर जाते हैं और कोरोना के इस महामारी के दौर में उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन बीमार है और कौन नहीं। इस मशीन पर हर व्यक्ति का हाथ लगता है जिससे उन्हें और उनके परिवार को कोरोना हो सकता है, इसके लिए उनसे ये कलेक्शन ना करवाई जाए। सर प्रॉब्लम ये आ रही है जेड़ा असि डोर टू डोर ते गेट ते जा रहे हैं जी मशीन लैके कलैक्शन दे वास्ते पेमेंट की, तो उन्होंने सानू एक मंथ का टाइम दिता सी भी तुसीं जाओ एक मिनट च सानू डाटा कलैक्ट करो दो। तो सर जाने एक मशीन है वो ATM पंच हुंदा है, वो फिजिकली टच हुंदी है, जैसे एक घर टच करता तो दूजे जाते हैं, वो जो दूजे जाते हैं उन्होंने भी उही टच करता जी ना। साढ़े को सैनिटाइजर है भी उन्होंने सैनिटाइज कर लिए, अपनी सेफ्टी नहीं है, साड़ी भी फैमिली है, बच्चे हैं, कोविड हो सकता है किसी के भी, थोड़ा पता है महामारी चल रही है। दूजी प्रॉब्लम यह है सर जो असं अपने सीनियर्स दसते हैं वो कहते ये तो थोड़ा करनी पेगी जिमें मर्जी करके सूँ डाटा कलैक्ट करके दो चाहे पेमेंट करके दो, सू नहीं पता ये करनी पैनी है। ठीक है जी। दूजा जे असी जाने ये अपने वीर ने जोड़े पुराने लगे हुए ने जिन्होंने काम शुरू किया, ठीक है जी, वो हेल्पर तो ड्राइवर प्रमोट हुए थे, उन्होंने 3 महीने तो कोई सैलरी नहीं आई। एक मशीन दे रखी है स्क्रैप वाली, ठीक है, जिस घर में हम जाते हैं स्क्रैप करने के लिए उस घर में हमें नहीं पता होता वो कोरोना का पेशेंट है। जे उस घर में जाके कोरोना का पेशेंट निकलता है, जे हम एक का करते हैं तो पता नहीं कितने घर कितने को कोरोना हो सकता है। उसके फिलहाल हम जो ड्यूटी आते हैं उसका यूँ भी नहीं पता हमारे बच्चे सेफ है या हम सेफ है, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। फिर ऊपर से हम इतने साल 4 महीने हो गए ड्राइवरी कर रहे हैं, ठीक है, हेल्पर थे हम, उसके बाद फिर हम ड्राइवरी कर रहे हैं, उसके बाद कोई सैलरी नहीं हमारी, कोई कुछ नहीं, हेल्पर वाली तनख्वाह दे रही है, उसके कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं करे, ना मशीन के बारे में कोई मुद्दा उठाया हुआ है, ना कोई सैलरी का मुद्दा कोई मुद्दा उठाया। सर प्रॉब्लम तो इदा आ रही है जी, देखो हम कई घर असं पैसे कलैक्ट कर जाने हैं, कोविड है उन्होंने होया ना, वो दसते हैं ना सानू पता लगता, असं जाके अपनी पैसे कलैक्ट करने आई हूँ ना, तो हूँ ए पता भी ना, तो दसते हैं ना सानू पता कि ये बीमारी अगे बढ़ रही है जी, ठीक है जी, नाले एक जो अपनी मेन सानू भी हो सकता अगर साढ़े बच्चे असं घर जाऊंगे हूँ असं कि मिलना दिन च 100 जन मिलना जी, और मेन जी हैगी मशीन का यह है जी इन्होंने इंस्पैक्टर जो नहीं है मुंडे चलाने इन्हों कोई दिक्कत आती है जी, हूँ कई बार घर जाने वो अगले जी गाला कट के मोड़ देंगे इन्हों भी असं नहीं सानू पैसे देने, रोज़ की लड़ाई है जी। मेन का कहना मुद्दा यह है कि मशीन नहीं हैगी, लड़ाई है, रोज़ जाओ सवेरे सवेरे लड़ो जी। हालांकि इसी के साथ ही उनमें से कई लोग हेल्पर के रूप में भी भर्ती हुए थे जो कि ड्राइवर के पद पर प्रमोट हो गए हैं, लेकिन उनका वेतन अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।